है, वे बहुत ही शातिर होते जा रहे हैं, वे चालाकी से लूटपाट करते हैं। ऐसा ही फिरोजाबाद से एक मामला सामने आया है। वहां की पुलिस ने एक लुटेरा गिरे हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 260 बोरी खल रातक के साथ ट्रक बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस गिरफ्त में आए ये वो लुटेरे हैं जो कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए लुटेरे ने आगरा जनपद से खल से भरा ट्रक को लूटकर फिरोजाबाद जिले के गांव खेरिया में राजेंद्र नामक के घर में छुपा रखा था। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को हुई, वैसे ही पुलिस ने लूटी खल के साथ ट्रक के साथ 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से करीब 14 लाख रुपए का खल बरामद किया गया है। द्वारा प्रभारी निरीक्षक टुंडला के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, साहिल और उन्होंने चेकिंग के दौरान एक राजस्थान नंबर का ट्रक था, उसको उन्होंने पकड़ा है, RG11GA3662, जिसमें से कई बदमाशों को इन्होंने पकड़ा। और पूछताछ से पता चला कि आगरा एतमादौला थाना क्षेत्र से ऑयल फैक्ट्री है कोई, जहाँ पे खल बनती है, BP ऑयल, वहाँ से इन लोगों ने ट्रक ड्राइवर से सांठ गांठ करके 260 बोरी खल, जो कि ग्वालियर में जाना था, किसी और कंपनी को सप्लाई हो रहा था, उसको ले आ करके इन्होंने खेरिया गांव में बेच दिया था। जब इन्होंने केबिन में बैठे हुए बदमाशों से पूछताछ की, 5 बदमाश अरेस्ट हुए हैं ड्राइवर के साथ। उन्होंने बताया कि हमने खेरिया में राजेंद्र के घर पर उतारा है माल, फिर वहाँ पे टीम पहुँची है, पूरा माल 260 बोरी खल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत मार्केट में 14 लाख रुपए है। पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें राजेंद्र नाम का जो व्यक्ति ने खल खरीदा है, उसके पूर्व में भी थाना हाजा पे 25 आर्म सेट का अभियोग पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 2500 रुपया का इनाम घोषित किया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। ट्रक बरामद हुआ है। ट्रक से ही तो बदमाश पकड़े गए, फिर उन्होंने पूछताछ में बताया कि हमने फलाने गांव में उतारा है, फिर वहां पे जाके खल बरामद हुआ है। कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए? 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 3 अभी फरार हैं। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद्र की खास रिपोर्ट।